अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू गवार झींगे की भाजी। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ली हूँ, इसमें डालूंगी एक चम्मच जीरा और मैंने दो बड़े प्याज ली हूँ कटे हुए, वो डालूंगी। अभी इसे मैं थोड़ा सा लाल कर लूंगी। कांदा हमारा हल्का लाल हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी इसे और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी दो टमाटर कटे हुए। अब टमाटर को मैं थोड़ा सा गला लूंगी। टमाटर आधे गल चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी आलू गवार की फली। इसमें मैं डालूंगी एक बाटी झींगा, झींगा मैंने साफ करके रखी थी। इसमें नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से प्लस पानी। अभी इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसे मैं ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। पानी अभी थोड़ा बाकी है सूखना। अब हम इसे बारीक गैस पे 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेंगे। देखिए आलू और भाजी दोनों ही गल चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी और दो कटी हुई हरी मिर्ची। भाजी बन गई है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह आलू गवार झींगे की भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना आलू गवार झींगे की भाजी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।